डियर स्टूडेंट्स, आई अंजनी कुमार तिवारी वेलकम्स ऑल ऑफ यू इन वीडियोस इन ऑनलाइन क्लासेस। टुडे विल बी लर्न अबाउट लेसन कामचोर रिटन बाय इस्मत चुगताई इन हिंदी, क्लास 8 लेसन 10। मेरे विद्यार्थियों, पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 कामचोर पाठ का नाम है और लिखा है इसमें चुगताई। इसका इस वीडियो में मैं प्रश्नोत्तर बताने चला। मेरे एक अच्छा 8 के बड़े अच्छे विद्यार्थी बड़ी याद आती है विद्यार्थी। अब समय बहुत समीप है, ये जो विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई है यह समस्या धीरे धीरे समाप्त होने वाली है, पूरी उम्मीद है कि निश्चित है कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर महीने से हम सब एक दूसरे के सामने उपस्थित होंगे, आप सबकी समस्याओं का समाधान मैं आप सबके सामने करूंगा। आज इस वीडियो में बताने चल रहा हूं प्रश्नोत्तर। मुझे भरोसा है हमारे विद्यार्थी समय अपना खराब नहीं कर रहे हैं, घर पे भी हैं तो घर को विद्यालय समझ करके बेहतर पढ़ रहे हैं। एक भी बच्चा मेरा लापरवाह नहीं है, क्लास में इतने बच्चे हैं, सब बहुत जागरूक हैं, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल लापरवाही नहीं करते हैं, सबकी कॉपी कंप्लीट है, सब पूरी तैयारी कर रहे हैं, हर पाठ को बेहतर ढंग से पढ़ रहे हैं। कामचोर बच्चों को घर वाले कहते हैं कामचोर है, किन बच्चों को कहते हैं जो लापरवाह है, जो पढ़ते लिखते नहीं है, नोटबुक अभी नहीं बनाई है, जो पढ़ाया गया है उसको पढ़े नहीं है, उसको लिखे नहीं है, बच्चे कैसे हैं कामचोर। अच्छे बच्चे अपने कैरियर को लेकर के सचेत बच्चे जो हर पाठ को प्रतिदिन पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, अच्छे बच्चे कामचोर। देखो कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं या घर के बच्चों के बारे में कहा गया है। क्यों कहा गया, क्योंकि घर के बच्चे घर का कोई भी काम नहीं करते हैं, इसलिए इन बच्चों को मोटे मोटे बच्चे कहा गया, कामचोर बच्चा कहा गया। बच्चे के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई, बच्चे के उधम हास्यास्पद कहानी है, हास्य रस से भरी हुई कहानी है। बच्चों के उधम मचाने से घर की क्या दुर्दशा हुई, सबसे पहले क्या हुआ, पानी पीने गए तो मटका उटका सब फूट गया, झाड़ू लगाने गए तो झाड़ू की अतरी पुतरी सब निकल गई, माने झाड़ू में जो सीखे होती हैं सब इधर उधर हो गई छीना झपटी में, और दरी साफ करने गए धूल पूरा कमरे में फैल गया, धूल पूरे कमरे में फैल गई, धूल से पूरा कमरा भर गया, और उसके बाद कमले की सिंचाई वाले पौधों की सिंचाई करने गए तो घर में लोटा गिलास बाल्टी कुछ भी बचा नहीं, अब लड़ गए आपस में, धक्का मुक्की कर लिए जब पानी भरने के लिए नल पे गए, बड़ी दुर्दशा, मुर्गी उर्गी सब इधर उधर भाग भाग करके सब कपड़ा वपड़ा गंदा कर दिया, कहीं पान खाने में टूट पड़े, कहीं सेवई में टूट पड़े, और अपने पंजे से पूरा कपड़े घर के कपड़े और घर के फर्श को सब गंदा कर दिया, मम्मी के बाल वाल में सब सेवई चली गई। तो अच्छा भेड़ क्या हुआ, भेड़ों ने जो सब्जी तरकारी में जो छीमी रखी थी मटर की छीमी सब्जी बनाने के लिए पूरा मटर खा गए भेड़ पहुँच करके, और उनको मार रहे हैं कुछ एहसास नहीं हो रहा है, तो भैंस होने वाली घटना बड़ी विचित्र थी, उसको आप सब पुस्तक में पढ़े होंगे। ये बच्चे जो भैंस का दूध निकालने गए तो भैंस का पैर बांध देते हैं झूले वाली रस्सी से, जो उनके अब्बा हैं जो चारपाई में लेटे हुए हैं उससे पावे से रस्सी को बांध देते हैं, तो बड़ी दयनीय दशा होती है जब भैंस भागती है। तो पूरे कहानी में आपको लिखना क्या है, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई, घर
घर के बर्तन टूट फूट गए, घर में चारों तरफ गंदगी फैल गई, सामान पूरा अस्त व्यस्त हो गया, भेड़ों से मुर्गियों से भैंसों से बहुत नुकसान हुआ, यही आपको लिखना है। फिर अगला है कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। घर के जब सारे बर्तन टूट फूट गए, पूरा घर का सामान अस्त व्यस्त हो गया, भेड़ों ने मुर्गियों ने और भैंसों ने जानवरों ने पूरे घर में उधम मचा दिया, तब अम्मा ने कहा या तो बच्चा राज कायम कर लो या तो मुझे ही रख लो, नहीं मैं छोड़ के जा रही हूँ आएंगे। तब क्या हिदायत थी पापा ने, पापा ने कहा कि खबरदार कोई बच्चा हिलेगा नहीं, सब पंक्ति पंक्ति में खड़े हो जाए, अगर कोई बच्चा हिला तो शाम को भोजन नहीं दिया जाएगा। बच्चों ने सोच लिया हिलना नहीं है, अपने हाथ से पानी भी नहीं देना है, सही सोचा है? नहीं सोचा। अगला देखो कि कामचोर कहानी का संदेश, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है, कहानी है कुछ संदेश भी देती है, कामचोर कहानी यह संदेश देती है बच्चों को कामचोर नहीं होना चाहिए, बचपन से ही अपने पिता का अपने बाबा का सहयोग करना चाहिए उनके काम में। अच्छा काम में सहयोग इस तरह से करें जितनी हमारी क्षमता हो उसी हिसाब से हम काम करें, काम करने की जो मुझे जानकारी हो वही काम करें, नहीं तो अपने घर वालों से काम करने का तरीका सीखें। अगर काम करने का तरीका मुझे पता है, काम चोरी हमारे मन में नहीं है, तब हम काम करना तब हम बेहतर ढंग से काम कर लेंगे। काम करने का तरीका नहीं पता है तो अपने घर में बड़े लोगों से काम करने का तरीका सीखें और अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार काम करें। काम करना चाहिए बचपन से ही, काम करना चाहिए बचपन से, हम काम करे रहेंगे हमारी आदत बनी रहेगी, तब हम बड़े होकर के बेहतर काम कर पाएंगे, काम करने में दक्षता हमारी आ जाएगी। यही संदेश देती है हमें काम करना चाहिए लेकिन तरीके से बेहतर ढंग से और अपनी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए। अगला है कि यही संदेश देती है, अगला है कि वह क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया, या चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। उचित निर्णय नहीं था, चाहे जो भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, ये बच्चों का उचित निर्णय नहीं था। बच्चों को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए कि हम उठ करके पानी भी नहीं पिएंगे, अब टेबल पे ऐसे बैठे रहेंगे, मम्मी हमको खाना लाएंगी पानी लाएंगी बिस्तर लगाएंगी सब काम मम्मी करेंगी तो हम नहीं पैसे बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे मन में अगर पापा या मम्मी हमको डांटते हैं तो हमारे मन में अपनी कमियों को सुधार करने का भाव आना चाहिए और कमियों को सुधार करने का प्रयास करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं करेंगे हिलेंगे भी नहीं, इस तरह से गंदे बच्चे करते हैं। हम समझते हैं आप समझते होंगे और हमारे बच्चे तो कक्षा 8 में इतने बढ़िया है कि प्रश्न को पढ़ते ही उसका उत्तर जान लेते हैं। जो विद्यार्थी पूरा पाठ बेहतर ढंग से पढ़े हैं किस गद्यांश में उसका उत्तर छिपा है वो देख लेते हैं, वो तुरंत जान लेते हैं और स्वयं क्लास में बताते थे सर कि इसका उत्तर यह होगा। फिर भी मैंने आपको मार्गदर्शित किया है और उस आधार